तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर बेन चेन वो कल्टीवेशन कर रहा था कि अचानक से वहाँ पे मिंगी वो आ जाती है और मास्टर से कहती है कि आप शायद अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर उससे कहता है कि प्लीज़ मिस, अपने आप को शांत रखो, मैंने जो गलती की है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मिंगी वो गुस्से से कहती है कि क्या आप रूल्स नहीं जानते। ये सुनकर मास्टर सोचने लगता है और वो कहता है कि ये तो सीधा सीधा मुझसे लड़ने आई है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। तो मिंगी कहती है कि तुम हमारी जासूसी कर रहे थे, लगता है कि तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई शौक नहीं। ये सुनकर मास्टर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि सारी गलती मेरी है, अगर तुम चाहो तो मुझे अभी सज़ा दे सकती हो। ये सुनकर मिंगी वो अपना एक स्पेल बाहर निकालती है और वो स्पेल सीधा मास्टर की बॉडी से अटैच कर देती है, जिसके बाद मास्टर की बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और उन्हें तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद मिंगी वो मास्टर से कहती है कि लगता है तुम्हें इसे बर्दाश्त करने में कुछ मुश्किल हो रही है, मगर इस मर्तबा मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर अगली मर्तबा तुमने ऐसी कोई गलती की तो अगली मर्तबा तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मास्टर का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो कहता है कि ये लड़का वही है जिसकी मुझे तलाश है, मगर उसके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं उसे वापस माउंटेन ले जा सकूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंगी वापस से सुजियान के पास आ जाती है और अरसा उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम उसे डराने में कामयाब हो गई। तो मिंगी कहती है कि हाँ, मैंने उस पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिससे वो काफ़ी डर गया है, मगर ये एंसेस्टर लैंड है, यहाँ पर मैं किसी बेवकूफ़ के सामने ये अपनी एनर्जी को शो नहीं कर सकती, मगर मुझे लगता है कि वो बूढ़ा शख्स बहुत ही ज़िद्दी है और उसके पास ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट वेपन होगा और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द अपने आप को रिकवर भी कर लेगा। ये सुनकर अरसा कहती है कि अच्छा तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, अगर वो ओल्ड मास्टर अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है तो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मगर मिंगी कहती है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा, उसका टारगेट सिर्फ सुजियान है, आज से हम लोग सुजियान का पीछा करेंगे और वो जहाँ भी जाएगा जिससे भी मिलेगा हम उस पर नज़र रखेंगे। और क्या तुम जानती हो कि वो पावरफुल शख्स जिसके बारे में सुजियान बात कर रहा था वो कौन है। तो अरसा कहती है कि लॉर्ड ताइहान, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये ज़रूर उसी का काम होगा, लगता है कि शायद वो भी इस वक्त एंसेस्टर लैंड में आ चुका है, मगर अभी वो यहाँ पे पहुँचा नहीं, ना ही उसमें इतने गट्स हैं कि वो सुजियान को तराश कर सके। तो अरसा कहती है कि अच्छा तो फिर वो सुजियान के बारे में कैसे जानता है, जिसके बाद अरसा को अचानक से याद आता है कि ये सब कुछ उस एरे की वजह से हुआ होगा, जिसके बाद हम सुजियान को देखते हैं, उसकी एनर्जी में अचानक से हलचल होने लगती है, जिस पर मिंग्यू कहती है कि इसकी एनर्जी अचानक से गायब क्यों हो रही है। तो सुजियान अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर चुका था, जिसके बाद वो वहीं पे नीचे गिर जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं सुजियान आराम कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, आज सुबह इस सुबह इन लोगों ने मुझसे बहुत मेहनत करवाई है और ऊपर से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन कामयाब भी नहीं हुई। जिसके बाद हम अरसा की आवाज़ सुनते हैं, वो गेम खेल रही होती है और वो गेम खेलते हुए अपने अपोनेंट को बहुत बुरा भला भी कह रही होती है और उसे चैलेंज भी करती है, जिसके बाद अचानक से सुजियान के पास कॉल आती है तो सुजियान कॉल रिसीव करता है, जिसके बाद अरसा और मिंगी दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। सुजियान कॉल पर बात करता है तो सामने वाला बंदा उससे कहता है कि मैं टीम 3 से हूँ, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो। ये सुनकर सुजियान हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या यान स्टेट आर्मी 3 नाम से भी कोई टीम है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ। सुजियान उससे मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद अरसा और मिंग्यू कहते हैं कि सुजियान ज़रूर किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है और ऊपर से अब हम लोगों को यान स्टेट आर्मी से भी कोई ख़तरा नहीं, अब उन लोगों ने हम लोगों को सर्च करना भी बंद कर दिया है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, हम लोग अपना मैजिक कास्ट कर सकते हैं, सुजियान अगर ख़तरे में पड़ा तो हम लोग छुप कर उसकी मदद करेंगे। मगर मिंग्यू कहती है कि नहीं, असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अरसा कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे सस्पेंस में मत डालो। तो मिंगी उसे बताती है कि सुजियान का कोर फॉर्मेशन की ट्रिबुलेशन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और जहाँ तक उसकी सेफ्टी की बात है तो हमें उसकी सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं, वो मास्टर ऑफ द स्टार स्प्रिंग है और अगर कभी भी वो ख़तरे में पड़ा तो स्टार स्प्रिंग खुद ही उसकी हेल्प करेगा, तो हमें उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और आल रियलम से कोई भी बंदा सुजियान को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुजियान की अभी ट्रिबुलेशन कंप्लीट नहीं हुई और ना ही उसने उस स्टार स्प्रिंग को एब्जॉर्ब किया है, और अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर भी ले तो भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो लोग सुजियान की बॉडी से उस स्टार स्प्रिंग को निकाल सकें।
और दूसरी तरफ हम लोग सुजियान को फोर्स भी नहीं कर सकते कि वो अब हमारे सेक्ट को ज्वाइन करे। तो अरसा कहती है कि तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेंग्यू कहती है कि वेट करो। अरसा कहती है कि किस चीज़ का वेट। तो मेंग्यू कहती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिब्यूलेशन का वेट करो। अगर 3 दिन के अंदर सुजियान की स्पिरिचुअल ट्रिब्यूलेशन कामयाब नहीं हुई तो फिर हम लोग कुछ आगे का सोचेंगे, और तुम्हें जो कुछ करना है वो बस यही है कि घूमो फिरो, खाओ पियो और ऐश करो। जब तक सुजियान की ट्रिब्यूलेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक तुम्हारे लिए मज़े ही मज़े हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सुजियान उस कैप्टन के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद कैप्टन वहां पे मौजूद होता है और वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। सुजियान उसके पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो सुजियान को चाय पीने को कहता है और सुजियान से कहता है कि मेरा नाम कैप्टन जाओ है और मैं स्पेशल टीम 3 का डिप्टी कैप्टन हूँ, तुम मुझे कैप्टन जाओ या फिर सर जाओ कह सकते हो। तो सुजियान कहता है कि ठीक है, मैं आपको मिस्टर जाओ कहूँगा। ये सुनकर मिस्टर जाओ कहता है कि इसकी बातों से इसके कैरेक्टर को आसानी से जज कर सकते हैं। और फिर वो सुजियान से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वो उससे पूछता है कि तुम अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर सुजियान दिल ही दिल में कहता है कि लगता है शायद ये कोई यान स्टेट आर्मी का कोई सीक्रेट सर्वे होगा, इसीलिए इसने मुझसे अचानक ही टीम के बारे में पूछा है। तो सुजियान कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, सब लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव भी करते हैं और टीम में सभी लोग टैलेंटेड हैं। ये सुनकर कैप्टन जाओ कहता है कि मुझे ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, ये लड़का अभी बिल्कुल न्यू है इसलिए इसे मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। वो लोग बातें करने के साथ साथ गेम भी खेल रहे होते हैं, जिसके बाद कैप्टन जाओ से कहता है कि क्या तुम्हें इससे भी अच्छी ऑफर चाहिए। तो सुजियान कहता है कि शायद ये मुझे ज़्यादा लालच देने की कोशिश कर रहा है। तो सुजियान साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर कैप्टन को गुस्सा आने लगता है, मगर फिर सुजियान उससे कहता है कि आप गेम हार गए हैं। ये देखकर कैप्टन भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।